तो ईएम वेव में देखो, ईएम वेव्स के अंदर अगर हम अब बात करें, हमने क्या किया था, सबसे पहले एनसीईआरटी की थ्योरी की थी, जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ की थी, स्पेक्ट्रम किया था, गामा रेज, एक्स रेज, रेडियो वेव, इंफ्रा, अल्ट्रावायलेट, ये सब का सीक्वेंस बनाया। मैंने आपको कहा था कि इसका डिक्रीजिंग वेवलेंथ में या इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में आपने याद करना है इन सभी वेव्स को, ये कैसे एक्ट करती हैं, और सारी प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़नी है। इसके अंदर क्वेश्चन, ईएम वेव्स के अंदर जो क्वेश्चन आने हैं आपको, अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं। नीट की बात करते हैं तो नीट के अंदर प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे, और थ्योरी बेस्ड ज़्यादा रहेगा। मेंस के अंदर न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा रहेगा, और अगर किस्मत अच्छी है तो फिर थ्योरी बेस्ड भी रह सकता है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हमारे पास कुल मिला के इसमें तीन चीज़ें हैं। पहली तो थ्योरी और प्रॉपर्टीज़, वो तो आपने एनसीईआरटी के लिए करनी करनी है। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स, अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो आप, हमने क्या किया अभी तक, ईएम वेव्स के अंदर देखो, ईएम वेव में मैंने फॉर्मूला बुकलेट में करवाया था डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। दूसरा फॉर्मूला करवाया था डिस्प्लेसमेंट करंट का, एप्सिलॉन नॉट एरिया डी ई बाई डी टी। तीसरा फॉर्मूला करवाया था कैपेसिटेंस इंटू डी वी बाई डी टी। फिर हमने इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स किए थे डिस्प्लेसमेंट करंट के इस शीट में से। ये न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं कॉम्पिटिशन के लिए भी, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है और एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आता है। फिर हमने डिस्प्लेसमेंट करंट के बाद किया था वेव सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, स्पीड ऑफ वेव है, एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो एच सी बाई लैम्डा या एच न्यू, स्पीड ऑफ ई एम वेव 1/√μ0ε0 अगर वैक्यूम है, और अगर मीडियम है तो सी इज इक्वल टू 1/√μ मीडियम इंटू एप्सिलॉन मीडियम, नेक्स्ट फॉर्मूला। फिर हमने कहा था कि अगर हमारी वेव एक्स एक्सिस में प्रोपोगेट करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ई नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, मैग्नेटिक फील्ड का बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। मैंने ये बताया था कि अगर एक्स में प्रोपोगेट कर रही है वेव तो यहाँ पर तो एक्स बनता ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, मैग्नेटिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। तो चाहे वेव की ये इक्वेशन यूज करो चाहे ये यूज करो, एक्स तो आना ही है। ई बी और वेव प्रोपोगेशन 90 डिग्री पे रहते हैं। फिर मैंने करवाया था स्पीड ऑफ ई एम वेव क्या होता है, ई नॉट बाई बी नॉट, और स्पीड का ये फॉर्मूला भी है। फिर वेव की इक्वेशन ओमेगा टी माइनस की एक्स में के का फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2π/λ या ओमेगा बाई सी, नॉर्मली 2π/λ याद रखने की जरूरत है। एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला अगर ई नॉट की फॉर्म में करना है तो ई नॉट की फॉर्म में 1/4ε₀ ई नॉट स्क्वायर, ई आरएमएस की फॉर्म में करना है तो 1/2ε₀ ई आरएमएस स्क्वायर। एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करना है तो एप्सिलॉन नॉट को 1/μ0 करना है और ई आर एम एस की जगह बी आर एम एस करना है। ये एनर्जी डेंसिटी की बात हो रही है। एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ई एम वेव, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, तो ई एम वेव के अंदर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, तो आपकी एवरेज एनर्जी डेंसिटी एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर एम एस स्क्वायर है, या फिर इसके ऐसे याद कर लो, या तो ये याद कर लो या ये याद कर लो, या ये याद कर लो या ये याद कर लो। ये मैंने आपको फॉर्मूला रजिस्टर में करवाया था। ठीक, मोमेंटम डिलीवर्ड बाय ईएम वेव क्या है, मोमेंटम इज एनर्जी अपॉन सी, और इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया या पावर बाय एरिया। इंटेंसिटी का फॉर्मूला इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो या लिख लो, आज के न्यूमेरिकल में काम आएगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं नीट या मेंस में, कि जो एवरेज इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर इंटू सी। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये क्या चीज़ है, इंटेंसिटी ऑफ ई एम वेव, ध्यान से,
ऊपर जो हमने किया वो एवरेज डेंसिटी ऑफ ई एम वेव है, एवरेज डेंसिटी और इंटेंसिटी में फर्क है। तो इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला एवरेज इंटेंसिटी इसके इक्वल है। ये फॉर्मूला को नोट कर लें, एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर इंटू सी। ठीक, याद करने का एक और भी तरीका है मेरे पास। अगर इंटेंसिटी याद करनी है, एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर इंटू सी एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज इंटेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी अगर करनी है तो ये देखो सी हटा दो, बन गया फॉर्मूला। तो दोनों फॉर्मूले याद हो गए, तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी का भी याद हो गया फॉर्मूला और एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी याद हो गया। सी लगाओगे या नहीं लगाओगे उससे फर्क पड़ जाता है। ठीक है यहां तक, राइट। इसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, तो ये न्यूमेरिकल्स हमने किए थे, प्लीज इस न्यूमेरिकल शीट को करके जाना। मैंने मेंस में और नीट में ये न्यूमेरिकल आते देखे, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है ये, एज इट इज मेंस वाले तो स्पेशली जरूर करना, हमने ऑलरेडी किए हुए हैं तो इसको आपने जरूर करने ही करने हैं, तो ऐसे मत जाना। ये सारे सॉल्व अनसॉल्व सारे एज इट इज न्यूमेरिकल आ जाएगा इसमें से। तो ये ऑलरेडी हमने कर लिया, तो आज हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। मैंने आपको एक ऑब्जेक्टिव शीट दी है, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 61, ये रही क्वेश्चन नंबर 1। नॉन मेडिकल मेंस में दो टाइप के लेवल्स हैं, एक तो बेसिक लेवल है, ये शीट आपको बेसिक लेवल बताएगी, और एक इससे ऊपर न्यूमेरिकल लेवल है, अगली शीट आपको न्यूमेरिकल लेवल कराएगी। नीट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी भी इसी फॉर्मेट में चलती है। तो स्टार्ट करते हैं। द कर्व ड्रॉन बिटवीन वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इन वैक्यूम विल बी इक्वल टू व्हाट। वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का कर्व बनाना है। देखो वेलोसिटी जो होती है वो सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होती है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वेवलेंथ कम हो जाएगी। वेलोसिटी का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर मीडियम वैक्यूम है तो 3×10^8 ही स्पीड रहेगी। हाँ ये हो सकता है कि एक्सरे की जगह इंफ्रा रेड रेज हो या कोई और रे हो या और वेव हो, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो साथ के साथ वेवलेंथ कम हो जाएगी, लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मार्क करना है। नेक्स्ट है, आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम सन इज गिवन। तो ई आरएमएस गिवन है, एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ ई एम वेव, अभी अभी फॉर्मूला मार्क करवाया था, ये देखो ई नॉट इंटू ई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आरएमएस स्क्वायर। तो अभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गोइंग थ्रू वैक्यूम इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस इक्वेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। देखो के जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2π/λ, तो ये तो इंडिपेंडेंट नहीं है, नहीं होगा आंसर। जो ओमेगा होता है वो होता है 2π/T या 2π × फ्रीक्वेंसी। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के साथ रिलेटेड है। अगर आप इस टर्म की बात करते हैं के बाय ओमेगा, तो के का मतलब क्या होता है, के का मतलब होता है 2π/λ, ओमेगा का मतलब क्या होता है 2π/T। 2π से 2π कैंसिल, तो सॉल्व करके क्या आएगा, यह आ जाएगा 1/T क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा क्या होता है, वेलोसिटी। इसका मतलब के बाय ओमेगा क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी। इसमें लैम्डा नहीं आएगा, वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा, नहीं चाहिए। तो आंसर यही मार्क करना है आपने, दिस इज द आंसर, सी आंसर है, के बाय ओमेगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, क्योंकि के बाय ओमेगा आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, सर एक बार आप वापस एक्सप्लेन कर दो कि वेलोसिटी लैम्डा के इंडिपेंडेंट कैसे होती है। वेलोसिटी क्या होती है, न्यू लैम्डा नहीं होती।
अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वेव की तो लैम्डा कम हो जाएगा। ये देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ तो लैम्डा कम हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कम कर रहा हूँ लैम्डा बढ़ रहा है, स्पीड का क्या लेना देना है इसमें? स्पीड तो मीडियम पे डिपेंडेंट है ना, मीडियम चेंज होगा तो वी चेंज होगा, नहीं तो क्यों चेंज होगा वी? ठीक, नेक्स्ट फोर्थ, फोर्थ में वेलोसिटी ऑफ ई एम वेव इन अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम, पता ही है वो तो ई और वी दोनों पे डिपेंड करता है फोर्थ का। फिफ्थ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज टू 60 माइक्रो कूलम ड्यू टू रेडियो एक्टिव सोर्स, एनसीआरटी वाला सेलुला का क्वेश्चन है सेम। द प्लेट लॉस चार्ज एट अ रेट ऑफ इतने कूलम पर सेकेंड, डी क्यू बाई डी टी गिवन है, तो मैग्नेटिक डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? डी क्यू बाई डी टी खुद ही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि जो नॉर्मल कंडक्शन करंट है और डिस्प्लेसमेंट करंट है उसकी वैल्यू एग्जैक्टली क्या रहेगी? सेम, यही आंसर है। क्लाउड्स आर कंटेन्ड इन अ लेयर, कौन सी लेयर, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ई एम वेव ट्रेवलिंग थ्रू वैक्यूम इज गिवन बाई दिस इक्वेशन, द क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, अभी किया था के बाय ओमेगा। इन अ प्लेन ई एम वेव प्रोपगेटिंग इन अ स्पेस हैज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई नॉट गिवन है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो सी क्या होता है? ई नॉट बाई बी नॉट, बी नॉट क्या होता है? ई नॉट बाई सी। आंसर ई नॉट पता है और सी पता है आंसर, ये फॉर्मूला है ना सी का, ई नॉट बाई बी नॉट। ठीक, नेक्स्ट है मॉलिब्डेनम इज यूज एज अ टारगेट एलिमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज बिकॉज, इसको याद ही कर रहे हैं, इट्स अ हेवी एलिमेंट, मेल्टिंग पॉइंट का तो मुझे पता नहीं पर हेवी एलिमेंट की बम्बार्टमेंट से एक्स रेज निकलती है, तो आप फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सी याद करें सी। टेंथ, टेंथ क्वेश्चन में कोई रेडिएशन है जिसकी पावर गिवन है 200 वॉट, तो इसकी पावर गिवन है और ये एक सरफेस के ऊपर हम गिरते हैं और जिसकी 60% सरफेस रिफ्लेक्टिंग है और 40% सरफेस एब्जॉर्बिंग है, हमने किया था ये, रेडिएंट प्रेशर याद होगा आपको, रेडिएंट प्रेशर से फोर्स भी निकली थी, शायद फोर्स का फॉर्मूला आई बाय आर, पता नहीं क्या फॉर्मूला था, एक बार चेक करना, फोर्स का फॉर्मूला होगा रेडिएंट प्रेशर की फॉर्म में, तो चलो लिखा हुआ है इसमें ये रहा पावर अपॉन सी, पावर अपॉन सी, तो इसमें तो इतनी पावर आपको गिवन है, 60% रिफ्लेक्टिंग है और 40% एब्जॉर्बिंग है, द टोटल फोर्स ऑन द सरफेस क्या है? तो आपको याद होगा कि हमने जब फोर्स निकालते थे हम बोलते थे अगर सरफेस टोटल एब्जॉर्बिंग है तो फिर तो सारे के सारे फोटोन्स ही एब्जॉर्ब कर लेगी, और अगर रिफ्लेक्टिंग है तो याद करो क्या करवाया था, मोमेंटम 2p हो जाता है, p माइनस माइनस p 2p, फोर्स भी डबल हो जाती है, तो 40% का मतलब 0.5, ये देखो पावर अपॉन सी क्या है इसकी, फोर्स है, तो ये फोर्स है 40% का मतलब 0.4 फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हो रहा है और 0.6 क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, पर 0.6 यहाँ पर जब करेंगे तो 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया, रिफ्लेक्शन की वजह से ट्वाइस हो जाती है फोर्स, तो यहाँ पर 2 × 0.6 1.2, सॉल्व कर लेना आंसर। ठीक, ऐसा एनसीईआरटी न्यूमेरिकल भी किया था कुछ रिफ्लेक्टिंग एब्जॉर्बिंग वाला, ठीक सीक्वेंस ब्रेक हो गया ना तो इसलिए आप रिलेट नहीं कर पा रहे, पर अब टेस्ट होगा ठीक हो जाएगा, अभी टेस्ट ठीक होगा। ठीक, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल हाइपोथेसिस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, ओजोन लेयर ब्लॉक्स द रेडिएशन, किसको ब्लॉक करती है? यूवी को, कह यूवी की वेवलेंथ क्या है याद करनी पड़ेगी एनसीईआरटी के टेबल से, 3 × 10⁻¹⁹, मेरे को नहीं याद, टेबल में सारी आप ही को याद करनी है, मैं कर लेना। ठीक, अ पॉइंट सोर्स ऑफ ई एम रेडिएशन हैज एवरेज पावर आउटपुट ऑफ, तो आपको इसमें क्या गिवन है, पावर गिवन है, तो 500 वॉट की पावर गिवन है, पॉइंट सोर्स है और पॉइंट सोर्स का डिस्टेंस एमिट करने का 3 मीटर है, तो ये 3 मीटर है, तो अगर एक पॉइंट सोर्स 3 मीटर तक लाइट को एमिट करती है तो एक स्फेरिकल फॉर्म बनेगा, है ना, लाइट पॉइंट सोर्स है हर तरफ भेज रही है तो स्फेयर बनेगा, तो कितने एरिया में लाइट जा रही है? 4πr², इतने एरिया में लाइट जा रही है। अब मुझे पता है एक टर्म है इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी होती है वो होती क्या है, वो होती है पावर यानी कि एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ये रहा पावर एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज नोन एज इंटेंसिटी,
इंटेंसिटी का फॉर्मूला अभी क्या करवाया था, एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर इनटू सी। आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कोई बात नहीं, आप ई आर एम एस को क्या लिखेंगे, ई नॉट बाई रूट टू, ठीक। तो क्या आ जाएगी, पावर डिवाइडेड बाई एरिया। अब आपको एरिया पता है, पावर आपको 1500 पता है, सॉल्व करके ई नॉट कैन बी कैलकुलेटेड आंसर, ई नॉट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी एट अ पॉइंट बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स इंडिकेट्स इन फिगर एक्सप्रेस बी इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी ई बाई डी टी क्या होगा। देखो क्वेश्चन मुझे पता नहीं, स्टेटमेंट बीच में मिसमैच सी है। वो ये कह रहा है कि एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट जाएगा इसमें, डिस्प्लेसमेंट करंट जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट जाएगा। ये जो यहाँ पर जो B प्रोड्यूस होगा, कहीं पर भी B प्रोड्यूस होगा, वो B का आंसर लिखो इन टर्म्स ऑफ dE बाई dt। तो कैपेसिटर की प्लेट में आप इमेजिन करेंगे कि एक डिस्प्लेसमेंट करंट जा रहा है, अब वायर तो है नहीं, तो अगर डिस्प्लेसमेंट करंट ID जा रहा है तो एट अ डिस्टेंस ऑफ R, B का फॉर्मूला इनफाइनाइट वायर का लगेगा म्यू नॉट बाई 4π 2 ID डिवाइडेड बाई R, ठीक। तो ये मैंने काफ़ी जगह रेफरेंस चेक किया, तो मतलब ये बी का फॉर्मूला कैसे लगाता है, बी का फॉर्मूला लगाता है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इनफाइनाइट वायर का लगा देता है। तो आपको नहीं भी समझ में आता कोई बात नहीं, पर आपको ये पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं म्यू नॉट बाई 4π की फॉर्म में आंसर चल रहा है, तो इसलिए आपको अंदाजा है कि यहाँ से ये आंसर आएगा। बाकी इसमें कुछ है नहीं करने वाला, क्योंकि म्यू नॉट बाई 4π तो आ ही गया, 2 बाई R आ गया। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट d φ/dt, और यहां से म्यू नॉट बाई 4π 2 डिवाइडेड बाई R इंटू एप्सिलॉन नॉट डी फाई, का मतलब E इंटू एरिया, एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी। मार्क कर लेना, सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा, इसे मार्क कर लेना। ठीक है, ठीक, तो 15th है, EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट फेल्ड टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन ने किया था, 1905 में नोबेल प्राइज मिला था, और EM वेव तो 1800 समथिंग में प्रोड्यूस हुई हुई है, तो ये नहीं है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ई एम वेव से जनरेट नहीं होती। प्लेन ई एम वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 MHz ट्रेवल इन अ फ्री स्पेस अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट ऑफ अ वेव एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ स्पेस, ई की वैल्यू गिवन है और को बी निकालना है, कुछ करना ही नहीं है। ई से अगर बी निकालना है तो फॉर्मूला तो पता ही है, ई बाई बी इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से सॉल्व करके आप पहले क्या निकाल लोगे, बी निकाल लोगे जो कि 2 × 10⁻⁸ है। तो इसके अंदर 2 × 10⁻⁸ में दो ऑप्शन, अब आपको ये भी बताना है कि डायरेक्शन क्या है। ई एम वेव कैसे ट्रेवल कर रही है, ई एम वेव ट्रेवल कर रही है एक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई में, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगा, जेड में। आंसर तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं क्योंकि, ठीक है यहाँ तक।
16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17, एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, ध्यान से, इंटेंसिटी नहीं है, एनर्जी डेंसिटी है। तो एनर्जी डेंसिटी का ये फॉर्मूला भी लिखवाया था, एवरेज वैल्यू ई आर एम एस आएगा, पर ऑप्शन ई नॉट की फॉर्म में भरना है, तो ई आर एम एस को ई नॉट बाई रूट टू पुट करके आंसर। ठीक है यहां तक? X-rays are produced by jumping off electron from higher to lower energy orbit of atom. देखो electrons जो है, देखो proton से तो होती नहीं, electron from lower energy to higher energy, from higher energy to lower, देखो एक बार हम X-rays करवाने के लिए क्या करते हैं, बहुत fast moving electron को bombard करते हैं heavy nucleus के साथ, atom के साथ, तो वो ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही अंदर के शेल्स पे जाके हिट करते हैं और अंदर का इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा देता है, एक्साइट करवा के वो हायर से लोअर पे गिरता है, एक्सरे पैदा होती है, तो भी ऑप्शन है, करेंगे एक्सरे की प्रोडक्शन सिलेबस में आने वाले टाइम में। 19th है, स्पीड ऑफ ईएम वेव इन वैक्यूम डिपेंड्स अपॉन सोर्स ऑफ रेडिएशन, तो ईएम वेव डिपेंड करता है कि क्या सोर्स है, इट इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम गामा रेज टू रेडियो वेव्स, स्पीड बढ़ती है या फिर डिक्रीज करती है गामा रेज से रेडियो वेव्स। देखो स्पीड का क्या लेना देना है इन रेज से, स्पीड तो सबकी क्या रहती है, सेम है, 3×10^8, यही तो प्रॉपर्टी थी, स्पीड तो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती नहीं है, फ्रिक्वेंसी किसी की बढ़ेगी तो वेव लेंथ कम हो जाएगी, स्पीड रिमेन्स सेम, कॉन्स्टेंट रहती है, सेम फॉर ऑल ऑफ देम। उसने बोला ही नहीं मीडियम चेंज हुआ, वैक्यूम ही है क्वेश्चन में, तो चेंज हो जाएगी मीडियम में, तो चेंज होगी। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग लीनियरली पोलराइज प्लेन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहला पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हैव इक्वल एवरेज वैल्यू, याद है एनर्जी डेंसिटी दोनों की क्या होती थी, सेम, एवरेज वैल्यू ई और बी की ऑलमोस्ट सेम होती है, और एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी हैव इक्वल एवरेज, तो एवरेज ये माना जाता है कि ईएम वेव में आधी एनर्जी इलेक्ट्रिक है और आधी मैग्नेटिक है, तो सी करना बोथ आर ट्रू करना। रडार सेंड द वेव टुवर्ड द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड रिसीव द सिग्नल रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट, तो ये कौन सी वेव है, माइक्रोवेव, प्रॉपर्टी है, रडार वर्क्स ऑन द कौन सी वेव यूज करता है, माइक्रोवेव यूज करता है, मार्क करो सीधा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज इज एमिटेड बाय ह्यूमन बॉडी, एक्सरे नहीं, एक्सरे कैसे छोड़ती है ह्यूमन बॉडी, अल्ट्रावायलेट, क्या गॉगल लगा के बैठते हो अल्ट्रावायलेट बचने के लिए, नहीं, विजिबल सोर्स ऑफ लाइट हो आप, नहीं, रात को चमकते हो, नहीं, तो फिर क्या है, इन गर्मी है तो 100 लोग बिठा दो हॉल में, गर्मी हो जाएगी तो बॉडी गर्मी छोड़ती है, इंफ्रारेड रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, तो दिख ही रहा है इसमें ऑप्शन नंबर बी, क्यों, क्योंकि ई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ई नॉट बाय बी नॉट इज 1/μ0ε0 का अंडर रूट, जो कि क्या होता है, सी आंसर। नेक्स्ट है, फ्रीक्वेंसी 1057 मेगाहर्ट्ज़ ऑफ रेडिएशन अराइजिंग फ्रॉम टू क्लोज एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन बिलोंग्स टू, इंफ्रा कुछ कर नहीं पाऊंगा भाई, टेबल याद करो एनसीआरटी का, 1057×10^6 हर्ट्ज इंफ्रा को मैच करती है, वो टेबल ही बताएगा आपको, कोई तरीका नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को याद भी नहीं कर सकते, कल को वेव चेंज कर देगा, क्या करोगे, आपको टेबल याद करना पड़ेगा। 25
क्वेश्चन है, इफ एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट रिप्रेजेंट द परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम एंड फ्री स्पेस, जो भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो वैक्यूम के अंदर स्पीड क्या है? 1/√μ0ε0, और सी क्या है मीडियम में? 1/√μ0ε0। ठीक है, एक्स रेज आर नॉट यूज फॉर रडार पर्पस, क्योंकि एक्स रेज की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है। कोई रॉकेट जाएगा रडार पे, वेव गिर के वापस आनी चाहिए, वापस तो तब आएगी जब एब्जॉर्ब नहीं करेगा, माइक्रोवेव एब्जॉर्ब नहीं कर सकता वो, तो एक्स रेज एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो ये सही नहीं है। एक्स रेज पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है। चार्ज पार्टिकल पढ़ो जरा, ऑफ चार्ज क्यू तो क्वेश्चन है, अ चार्ज पार्टिकल विद चार्ज क्यू एंटर्स अ रीजन ऑफ कांस्टेंट यूनिफॉर्म एंड म्यूचुअली ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर फील्ड ई एंड बी विद वेलोसिटी वी परपेंडिकुलर टू बोथ ई एंड बी। तो एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है जहाँ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं और सब आपस में परपेंडिकुलर हैं, और बाहर आ जाता है बिल्कुल सीधा बिना डायरेक्शन चेंज किए विद वेलोसिटी ऑफ वी। अरे ये क्वेश्चन तो मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन था, जब E और V परपेंडिकुलर और चार्ज पार्टिकल जब बाहर आता है तो फॉर्मूला V का क्या होता है? E बाई बी, याद है V का फॉर्मूला E बाई बी। तो ऑप्शन मार्क कर लो ना जिसका E बाई बी आंसर, यही तो आंसर है। तो E बाई बी, B से B कटेगा तो E बाई बी, ठीक है यहाँ तक। और E पहले आता है, B बाद में आता है अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो। B क्रॉस E नहीं करना, E क्रॉस B वाला ऑप्शन मार्क करना है, क्योंकि ऑप्शन तो A और B में से कुछ भी हो सकता है, E क्रॉस B। ठीक है यहाँ तक। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D एंड पोलराइजेशन वेक्टर P फॉर अ डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन डाइलेक्ट्रिक फील्ड E इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। देखो हमने किया नहीं, बुक्स में है नहीं, सीधा आंसर मार्क करेंगे कि D का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इनटू E प्लस P, वेयर D का मतलब है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, E का मतलब इलेक्ट्रिक और P का मतलब पोलराइजेशन। एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट काफ़ी डीप में है। कैपेसिटर में अगर हम डाइलेक्ट्रिक डाल दें तो उस डाइलेक्ट्रिक का सब्सटेंस ना पोलराइज हो जाता है, और जब याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन होती है तो पोलराइजेशन वेक्टर यूज़ करते थे P, हमने किया था आखिरी टॉपिक 1+ काय वाला। तो ये फॉर्मूला आप याद ही करेंगे, मार्क करेंगे, इस पर कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं, अगर आ जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा तो मार्क कर देना, इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या करता है, कहाँ से आता है, जरूरत ही नहीं है, बस डन हो गया, देख लो बस एक नजर मार लो। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एक्सरे रेडियो एंड माइक्रोवेव। देखो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का फायदा ही नहीं है कोई भी, और ये आना है पक्का, एनसीईआरटी में भी आना है और नीट में तो पक्का ही आना है और मेन में भी आ सकता है। फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक आपको टेबल नहीं याद होगा इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का, आप एनर्जी कैसे निकाल लोगे? क्योंकि एनर्जी क्या होती है? इज इक्वल टू एच न्यू। जब आपको फ्रीक्वेंसी न्यू नहीं पता कि अगर किसकी ज़्यादा किसकी कम, तो आप एनर्जी कैसे निकाल लोगे? तो आप रट्टा मार भी लोगे इसकी ज़्यादा इसकी कम फ़र्क क्या पड़ता है। तो ये सोल्यूशन ना देखो, आप अपना एनसीईआरटी का टेबल याद करो जिसमें आप फ्रीक्वेंसीज को याद करो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वहाँ से एनर्जी को अपने आप कैलकुलेट कर लेना। क्लियर है यहाँ तक? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा है। क्लियर है यहाँ तक? कैसे करने, तो मतलब इसको याद करने का देखने का ही फायदा नहीं है, वो टेबल से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईएम वेव इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है, वेव प्रोपगेशन एक्स एक्सिस में है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ क्या है? देखो आप इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करते हैं विद बी नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, ओमेगा टी, तो कंपेयर करके आपके पास k आ जाता है 10^3, और k क्या होता है 2π/λ, λ की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद। तो
कंपेयर करके वेव की इक्वेशन से किया गया के से 2 पाई बाय लैम्डा से लैम्डा आ गया। ठीक है, शायद गलत बी ऑप्शन नहीं होगा, गलत है यार ये ऑप्शन, तो ये यहाँ से ही करना पड़ेगा। हाँ मैं कह रहा हूँ उसको देखो मत यार, वो तो आप वैल्यूज याद करोगे आपको अपने आंसर गलत है, वैसे इसका सही कह रहे हो। 31 में ई गिवन है, बी गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू। तो ये तो आज हमने किया था ना ये वाला, कैसे ई नॉट बाय बी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा बाय के। आपको याद है आज हमने के बाय ओमेगा किया किया था वन अपॉन वेलोसिटी, तो ओमेगा बाय के क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। ठीक है ना, आज ये प्रूव किया इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ वाला क्वेश्चन, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर। ठीक है यहां तक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। इन अ मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, तो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एप्सिलॉन और परमिटिविटी फ्री स्पेस की है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके इक्वल है। देखो मैं वैसे बता दूं, ये फिर से सेम प्रॉब्लम है, वो कह रहा है कि वैसे तो ये इक्वेशन लगती है बाउंड चार्जेस और पोलराइजेशन में, पर नॉर्मली मोस्ट केसेज में पोलराइजेशन ली नहीं जाती, निगलेक्ट कर दी जाती है, तो आपकी इक्वेशन सिर्फ ये बनती है, रादर ये भी नहीं बनती, बननी है चाहिए D इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम इंटू ई बनती है, क्योंकि मीडियम वैक्यूम नहीं है, डायलैक्ट्रिक डाल रखा है, और अगर डायलैक्ट्रिक डाल रखा है तो ये रिजल्ट के टाइम्स हो जाएगा, तो ये आंसर ऐसे मार्क करना, जो भी इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन आएगा। वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, पर आ जाए तो कम से कम देख लो कि ये दो क्वेश्चन मेरे को मिले हैं, मैंने भी इसमें डाल दिए। An EM wave has electric and magnetic vector perpendicular to each other. सही है। 34. तो इसका आंसर क्या मार्क करते हो, डी, किसको समझ में आ गया डी आंसर, एक मिनट में नहीं आया, बहुत आठ क्वेश्चन पढ़नी पड़ती हैं, क्या चीज पकड़ में आ रही है कि आंसर डी आ गया, क्या हो सकता है, स्पीड ऑफ लाइट, कहाँ है इसमें ऑप्शन स्पीड ऑफ लाइट, अच्छा चलो एक ऑप्शन ओके मान लिया, और EM वेव की प्रोपगेशन किसके अलोंग है, x, तो वेव के अंदर x तो पक्का ही आने वाला है, तो x सब में गिवन है, तो ये तो हिंट नहीं काम करेगा। नेक्स्ट है द वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड अकर्स इन y डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, y में x में y, ये तो गया सी तो छोड़ दो, y में वेव प्रोपगेशन किस में है, x में, ठीक है x आ रहा है, E, y में है, अगर वेव प्रोपगेशन x में है
इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है तो मैग्नेटिक फील्ड पक्का जेड में होगा, तीनों परपेंडिकुलर। तो कॉम्बिनेशन बनाना है एक्स का, वाई का, जेड का, ये हो नहीं सकता, ई एक्स और बी एक्स हो नहीं सकता, ई वाई बी वाई नहीं हो सकता, ई वाई ये हो सकता है, ये हो सकता है कि ये वाई है, ये जेड है और ये एक्स है। फिर आपको कोफिशेंट भी कंपेयर करना पड़ेगा, फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर वेवलेंथ की वैल्यू इतनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, ई नॉट गिवन है, अगर ये आपको ई नॉट गिवन है तो C इज इक्वल टू ई नॉट बाय बी नॉट से क्या आ जाएगा, बी नॉट आ जाएगा, ई नॉट बाय सी पुट कर लेना, ठीक है यहाँ तक? तो वैल्यू आएगी इसमें, अब कर लेना कंपेयर। 35, लाइट वेव इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, इफ कॉरस्पॉन्डिंग ई वेक्टर एट एनी टाइम इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो बी कहां पर होगा, जेड एक्सिस, बताइए जेड में होगा, ठीक है।